ये एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज मैंने ये लुक किया है नागिन फ्री बेला इंस्पायर्ड लुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सिर्फ एक इंस्पायर्ड लुक है, आप इसको प्लीज़ इन्जॉय करिएगा। और गाइज मैं बता दूँ ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है और ये नोज भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो कैसा लगे मुझे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जूम करके दिखा दूँ कि कैसे किया है मैंने ये मेकअप। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया है मैंने ये लुक। ठीक है, सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ये प्योर एलोवेरा मल्टी विटामिन स्किन क्रीम है जिसे मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़ करना फेस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये प्राइमर जो फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है हमारे मेकअप को। और जो भी फाउंडेशन वगैरह हम लगाते हैं तो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता है, उससे हमारे फेस को ये सेफ रखता है, इसलिए मैं प्राइमर यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये फाउंडेशन है जो ब्लू हेवन का है, ऑयल फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है और हमारे फेस को बिल्कुल भी हमारे मेकअप को कलर नहीं करता है। इसको एक ब्रश की हेल्प से मैं जितने भी मेकअप मैंने अभी तक किए हैं मैं उनको अपने ब्रश की हेल्प से ही करती हूँ। ये ब्रश मुझे बहुत पसंद है, अगर आप चाहेंगे तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। उसके बाद मैंने ये स्टिक यूज़ की है NYB के जिसे मैंने अगेन पर्पल से परचेज़ किया है, जो हमेशा डिस्काउंट में बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है, आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने जितने भी अपने हाइड डार्क सर्कल वगैरह हैं तो अपने स्टिक से, फिर उसके बाद में एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसे डैप डैप करके अप्लाई किया है फेस पर। उसके बाद में मैंने ये अगेन स्टिक यूज़ की है जिसका एज अ कंटूरिंग जिसका कोड है 07। उसके बाद मैंने इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई किया है। कंटूरिंग करने से हमारा जो फेस है बहुत स्लिम दिखता है, मुझे लगता है कंटूरिंग बहुत मस्त होती है, तो मैं हमेशा करती हूँ अपने सारे मेकअप में। उसके बाद में मैंने यूज़ किया ये बिला वोट्स का फाउंडेशन है। उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी ये प्रोफेशनल मिस रूस का आईब्रो किट है जिसे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में एक ब्रश की हेल्प से पैन ने मैंने दोनों तरफ से विंग ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर मैंने फिल किया है। बैकग्राउंड से थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा उसको। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर मैंने फिल किया है तो आईब्रो बहुत अच्छे से उसका शेप बहुत अच्छा आता है इस तरह से करने पर। ये डार्क ब्राउन शेड जो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में एक फुल्ली के हेल्प से मैंने इसे कॉम करके सेट कर लिया है। और थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो प्लीज़ डोंट माइंड, अभी मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, आई नो, फिर भी कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने मेकअप NYB का मेकअप फिक्सर लेकर अपने बेस को, जो मैंने बेस बनाया है, उसको सेट कर लिया है। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे, ये एक प्रॉब्लम है इस मेकअप फिक्सर में, बहुत ज़्यादा स्किन में चुभता है जाकर, इसलिए मैं इसे तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद में ये किस ब्यूटी का मेरा आई शेडो पैलेट है, इसमें से एक कलर लेकर, पिंक लाइट पिंक कलर लेकर मैंने क्रीज लाइन पर
अच्छे से फ्लफी ब्रश की हेल्प से सेट कर लिया। और उस ब्रश का लिंक अगर चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। ये ब्रश मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, मैंने इन्हें अमेज़ोन से परचेज़ किया था। इनका प्राइस भी बहुत अच्छा है, बजट में है। उसके बाद में मैंने ब्लैक कलर लेकर अपने इनो कॉर्नर पर अप्लाई किया है। उसके बाद में ये थोड़ा सा गोल्डन है, गोल्डन कलर लेकर मैंने अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। और ब्लैक शेडो मैंने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया था। इसके बाद में एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने ये ब्लैक आई शेडो लेकर मैंने वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। उसके बाद वाटर लाइन पर अप्लाई करने के बाद मैंने आईलाइनर लगाया, क्योंकि उसके बाद में मैंने वाटर लाइन पर आई शेडो अप्लाई किया है एज अ पेंसिल ब्रश की हेल्प से। उसके बाद में ये मेरा फेवरेट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर है मी ऑन का। इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, इसलिए मैं इसका लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। आप लोकल मार्केट में एक बार ट्राई करिएगा तो हो सकता है आपको मिल जाए। बेस्ट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जो इसका ब्रश है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिलाउट्स का मस्कारा है, जिसे मैंने पर्पज़ से मंगाया था। इसका भी लिंक दे दूँगी मैं। जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये भी मुझे बहुत, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सारे बजट में हैं, अफोर्डेबल हैं। मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। उसके बाद में मैंने यूज़ किया है ये ब्लू हेवन का पिंक कलर का ब्लशर है, एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई किया है। और हाइलाइटर है ग्लैम 21st का, जिसे मैंने बहुत कम हाइलाइटिंग की है, क्योंकि वो जो मेकअप जिससे मैंने इंस्पायर्ड हुई हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं थी, तो मैंने बहुत कम की। उसके बाद में मैं ये लोकल मार्केट से परचेज़ की है लिपस्टिक, तो मैंने इसका लिंक वगैरह नहीं दे पाऊँगी, बट इसका कलर बहुत प्यारा है। तो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।